इस वीडियो में हम जानेंगे इन्फोग्राफिक्स के बारे में। इन्फोग्राफिक्स क्या होते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इन्फोग्राफिक्स होते क्या हैं, और उसके बाद हम जानेंगे द हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ इन्फोग्राफिक्स, यानी उसकी हिस्ट्री, पहले पुराने ज़माने में कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसकी हिस्ट्री मतलब कैसे कैसे इन्फोग्राफ्स आए पहले, और उसके बाद उसका एवोल्यूशन यानी कैसे वो इवोल्व हुआ, ठीक है। उसका इवोल्यूशन हमें वो आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और वीडियो में आपको बिल्कुल लेटेस्ट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो वीडियो को पूरी देखना और वीडियो को लाइक भी कर देना। वीडियो को आगे देखने से पहले अपने सच्चे दिल से कहो लेट्स क्वेश्चन इट। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं इन्फोग्राफिक्स क्या होते हैं। इन्फोग्राफिक्स इसके नाम से समझने की कोशिश करो, इन्फो मतलब इन्फॉर्मेशन, ग्राफिक्स मतलब ग्राफ, यानी इन्फॉर्मेशन का ग्राफ, ठीक है। इसको बोलते हैं इन्फोग्राफिक्स, यानी ऐसी कोई पिक्चर जिसको देखकर, ऐसा कोई ग्राफ जिसको देखकर हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले लें, ठीक है। यानी इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डेटा होता है उस ग्राफ के अंदर, उसको बोलते हैं इन्फोग्राफिक्स। तो चलो शुरू करते हैं इसकी हिस्ट्री से। सबसे पहले इन्फोग्राफ से वो आए थे इजिप्शियन हीरोग्लिफ्स, ठीक है। इजिप्शियन हीरोग्लिफ्स सबसे पहले इन्फोग्राफ थे। इजिप्शियन हीरोग्लिफ्स वर अ फॉर्मल राइटिंग सिस्टम यूज्ड बाय द एंशिएंट इजिप्शियंस दैट यूज्ड सिंबल्स टू इलस्ट्रेट वर्ड्स लेटर्स एंड कॉन्सेप्ट्स दैट डिस्क्राइब देयर लाइफ एंड वर्क एंड रिलीजन। तो सबसे पहले कौन से आए थे? इजिप्शियन हीरोग्लिफ्स, इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। ये कहाँ पर थे? इजिप्ट में। इजिप्शियंस ने सबसे पहले इन्फोग्राफ्स बनाए थे जो कि डिस्क्राइब करते थे उनकी लाइफ को, उनके काम को और उनके रिलीजन को। तो अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड इन्फोग्राफ की तरफ। अब बात करते हैं हमारे सेकंड इन्फोग्राफ के बारे में, वो है द डन होंग स्टार एटलस। तो इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हो उसकी इमेज, ठीक है। ये बहुत सारे स्टार है इसमें। तो ये क्या है? चाइना का है। द चाइनीज स्टार चार्ट इज द अर्लीस्ट नोन मैन्युस्क्रिप्ट एटलस ऑफ द नाइट स्काई, ठीक है। तो ये चाइना का है चाइनीज स्टार चार्ट, और ये सबसे पुराना, सबसे अर्लीस्ट नॉन मैन्यूस्क्रिप्ट है, ठीक है। इट वॉज प्रोड्यूस्ड अराउंड 700 AD एंड शोज ओवर 1300 स्टार्स विजिबल टू द नेकेड आई सेंचुरीज बिफोर द टेलीस्कोप वॉज इन्वेंटेड। तो ये कब हुआ था? ये 700 AD में इसको बनाया गया था, और ये 1300 से भी ज़्यादा स्टार्स को दिखाता है इसमें, ठीक है। और जब टेलीस्कोप का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था, ठीक है, जब भी ये क्या बनाया गया था, ये इन्फोग्राफ, ठीक है, द डन होंग स्टार एटलस। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले इन्फोग्राफ की तरफ। थर्ड नंबर पे जो इन्फोग्राफ है वो है इन्वेंशन ऑफ पाई चार्ट्स एंड बार ग्राफ, ठीक है। तो इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हो क्या है, पाई चार्ट और बार ग्राफ। तो यहाँ से पाई चार्ट और बार ग्राफ की शुरुआत हुई। इन 1789 विलियम प्लेफेयर पब्लिश्ड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट बुक एवर पब्लिश्ड विद स्टैटिस्टिकल ग्राफ्स कॉल्ड कमर्शियल एंड पॉलिटिकल एटलस कंटेनिंग सीरीज प्लॉट्स एंड बार चार्ट्स। हिज स्टैटिस्टिकल ब्रेवरी कंटेन्ड द फर्स्ट एवर पाई चार्ट। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1786 में, ठीक है, पाई चार्ट की और बार ग्राफ की। तो विलियम प्लेफेयर ने अपनी एक पहली बुक पब्लिश करी, ठीक है, इसका नाम था कमर्शियल एंड पॉलिटिकल एटलस। तो उसके अंदर बहुत सारे ग्राफ थे, बार ग्राफ थे और पाई चार्ट्स थे, ठीक है। और वो ऐसी पहली बुक थी जिसके अंदर क्या था, पाई चार्ट्स थे, ठीक है, पाई चार्ट, यहाँ से पाई चार्ट आए। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले इन्फोग्राफ की तरफ। फोर्थ नंबर पे जो इन्फोग्राफ है वो है हेल्थ केयर बेस्ड ऑन स्टेटिस्टिक्स, यानी जो हेल्थ केयर है, ठीक है, मतलब डॉक्टर और हॉस्पिटल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है इस ग्राफ का। तो इसकी इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये एक तरह का पाई चार्ट है। इन 1858 फ्लोरेंस नाइटिंगेल डिजाइन द रोस और कॉक्सकॉम्ब डायग्राम रिसेंबलिंग अ पाई चार्ट। इट हाईलाइटेड द नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग द क्राइमियन वॉर एज अ रिजल्ट ऑफ प्रिवेंटेबल इन्फेक्शन, ठीक है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1858 में। ये मतलब जो ये चार्ट है, ठीक है, हेल्थ केयर बेस्ड, ये क्या स्टैटिस्टिक्स बताता है, ठीक है, कितनी डेथ हुई वो, ठीक है, इसमें इस चार्ट में ये दिखाया जाता है, हेल्थ से रिलेटेड है ये चार्ट, ठीक है, एक तरह का पाई चार्ट है जो कि हेल्थ केयर बेस्ड है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले इन्फोग्राफ की तरफ। अब बात करते हैं हमारे फिफ्थ इन्फोग्राफ के बारे में, वो है द 20th सेंचुरी इन्फोग्राफिक्स, ठीक है, यानी 20th सेंचुरी के जो इन्फोग्राफ्स थे वो आए, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश ग्राफिक्स आर्टिस्ट एल्फ्रेड लीड्स वर्क्स कंबाइंड विजुअल्स एंड डेटा एलिमेंट्स एज अ कमर्शियल आर्टिस्ट। ही डिजाइन पोस्टर्स नोटेबली हिज वर्ल्ड वार वन पोस्टर विद द टैगलाइन योर कंट्री नीड्स यू फॉर द लंडन ओपिनियन। तो इस इन्फोग्राफ का इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है वॉन्ट्स यू, यानी आपकी कंट्री आपको चाहती है, ठीक है, एंड में एक लाइन देखो योर कंट्री नीड्स यू, ठीक है। तो ये एक आदमी की इमेज लगा रखी है और आपकी कंट्री आपको चाहती है। तो ये इस तरह का कुछ दिखाया जाता है इस इन्फोग्राफिक्स में, ठीक है।
तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले इंफोग्राफ की तरफ। तो 6 नंबर पे है एचर्स यूनिवर्सल पिक्टोग्राम्स। तो यहाँ पर शुरुआत हुई पिक्टोग्राम्स की, ठीक है। वो किस कहते हैं? एचर्स। एचर्स एक पर्सन है। तो ओटीएल एचर वोजाफ जर्मन ग्राफिक डिजाइनर। तो एचर क्या है? एक जर्मन ग्राफिक डिजाइनर है हु क्रिएटेड पिक्टोग्राम्स फॉर द 1972 ओलंपिक्स गेम्स। तो उन्होंने पिक्टोग्राम्स क्रिएट करे किसके लिए? 1972 ओलंपिक्स के लिए, ठीक है। तो उसकी इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है, उन ग्राफ्स की। ही इज सिंप्लीफाइड ह्यूमन फिगर्स बिकेम अ यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन अपेयरिंग ऑन मेनी स्ट्रीट साइंस वी सी टुडे। तो ये अभी बहुत जगह पर इसके देखे जाते हैं, ठीक है। ये साइंस आज भी यूज किए जाते हैं। ये पिक्टोग्राम्स बहुत ज़्यादा स्प्रेड है अभी वर्ल्ड में, ठीक है। तो यहाँ से आइए पिक्टोग्राम्स। तो अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट इन्फोग्राफ्स की तरफ। अब बात करते हैं हमारे सेवंथ और लास्ट इन्फोग्राफिक्स के बारे में। वो है इन्फोग्राफिक्स टुडे, यानी आज जो इन्फोग्राफिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया पूरा इवोल्यूशन। तो लास्ट है हमारे जो आज इन्फोग्राफिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। टुडे इन्फोग्राफिक्स आर यूज्ड इन क्लासरूम्स बिजनेसेस एंड ऑनलाइन टू एंगेज एंटरटेन एंड एजुकेट। तो इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है क्लासरूम्स में, बिजनेस में, ऑनलाइन स्टडीज के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, ठीक है। सो देखो आगे, सिंस 90% ऑफ इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन इज विजुअल, दे आर एफिशिएंट फॉर स्टोरी टेलिंग। तो जो 90% इन्फॉर्मेशन होती है वो विजुअल यानी इन्फोग्राफ्स की मदद से दी जाती है किसी भी पर्सन को, ठीक है। तो ये इन्फोग्राफिक्स काफ़ी हैं एक पूरी कहानी बताने के लिए, स्टोरी टेलिंग के लिए। जैसे आप स्क्रीन पर देखो सेटिंग का सिंबल, इंक्रीजिंग का, डिक्रीजिंग का, रैंकिंग का, ठीक है। तो ये बहुत सारे इन्फोग्राफिक्स जो टुडे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये मैंने बताया आपको बहुत सारे इन्फोग्राफिक्स के बारे में, ठीक है। और अगर आप और जानना चाहते हो इनके बारे में तो आप इंटरनेट या फिर गूगल पर चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने जाना इन्फोग्राफिक्स के बारे में, इन्फोग्राफिक्स क्या होते हैं वो हमने जाना, उसकी हिस्ट्री, सबसे पहले कौन से इन्फोग्राफिक्स थे पहले, और उसका एवोल्यूशन यानी जो आज इन्फोग्राफिक्स हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक, मतलब पहले इन्फोग्राफिक्स और अब इन्फोग्राफिक्स कैसे वो इवोल्यूशन हुआ उसका, ठीक है, वो सब हमने जाना इस वीडियो में। तो वीडियो आपको कैसी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी वीडियोस देखने के लिए, और कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करने वाला लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे। और मैं मिलूंगा आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लेट्स क्वेश्चन इट।